सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, ये खड़ी आपके सामने बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी स्कॉर्पियो एन का सेकेंड बेस वेरिएंट Z4। ये Z2 वेरिएंट से एक ऊपर वाला है। टॉप मोस्ट वेरिएंट Z8L के मैं वीडियोस कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट देखना चाहते हो तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिए। अगर आप Z4 लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ मिलने वाला है इस बोल्ड SUV Z4 पे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट आपको दिखाते हैं इस गाड़ी को। ये गाड़ी आती है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक, और इसमें डीजल में एक फोर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट भी दिया हुआ है। सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रही है, आप कर लीजिए चेक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट आपको इसके पहले इंजन के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल इंजन 2.2 लीटर एम स्टैलियन दिया हुआ है, जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, पावर बनाता है 149.14 किलोवाट का, और इसका टॉर्क है मैनुअल ट्रांसमिशन पे 370 Nm का, ऑटोमेटिक पे है 380 Nm का। डीजल इंजन यहाँ पे दो अलग अलग वैरायटी के दिए हुए हैं। अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन परचेस करेंगे तो 2.2 लीटर का एम हॉक CIDA टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इंजन मिलेगा, जो कि पावर बनाएगा 97 किलोवाट का और टॉर्क है 300 Nm का। वहीं पर जब इसको आप ऑटोमेटिक या फिर आप फोर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन परचेस करेंगे तो आपको मिलेगा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पावरफुल इंजन। ये पावर बनाता है 128.6 किलोवाट का, मैनुअल ट्रांसमिशन फोर व्हील ड्राइव पे टॉर्क है 370 Nm का और ऑटोमेटिक पे है 400 Nm का। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को और स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के फ्रंट में, क्लोज लुक आपको दिखाते हैं। ये है स्कॉर्पियो एन वेरिएंट आपके सामने है, जिसकी ग्रिल जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिल्वर को यूज़ किया गया है, क्रोम जो है इसके Z8 वेरिएंट से मिलता है। बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो इसमें आपको हैलोजन रिफ्लेक्टर लैम्प्स मिलेंगे, येलो कलर की लाइट है। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे पोजिशनिंग लैम्प का बल्ब दे रखा है, उसी में फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स इस समय ऑन है। दोस्तों, ये वेरिएंट फॉग लैम्प्स को कवर नहीं करता है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और आपको दिखाते हैं बोल्ड स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल, 46-62 mm इस गाड़ी की लेंथ है। डायमेंशन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप कर लीजिए चेक। बढ़ते हैं हम इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। ये वेरिएंट दोस्तों स्टील व्हील्स के साथ यहाँ पे फुल व्हील कैप्स को कवर करता है, और व्हील साइज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 245/65 R17 इंच के बड़े साइज के व्हील्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स मिरर्स पे हैं, स्टैंडर्ड है, Z2 में भी आते हैं, और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आपको स्टेप भी मिल जाएगा। ऊंची गाड़ी है तो बैठने में आसानी मिलती है इन स्टेप से। ऊपर साइड देखिए तो रूफ रिल्स भी ये वेरिएंट कवर करता है, ब्लैक कलर की रूफ रिल्स आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के थोड़ा सा इस साइड पे बैक प्रोफाइल दिखाते हैं। फ्यूल इनटेक एरिया इस तरफ दिया हुआ है, 57 लीटर का फ्यूल टैंक है, और सिर्फ ये यहाँ पे प्रेस करिए ओपन हो जाता है। डोर के लॉक्स के साथ ये कनेक्ट है। पीछे के प्रोफाइल ये देख लीजिए आपके सामने है Z4 वेरिएंट का, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस गाड़ी को। पीछे से भी देखिए एक हाइटेड ऊंची गाड़ी है। टेल लैंप देख सकते हैं यहाँ पे, टावर टाइप के बड़े साइज़ के इसमें टेल लैंप दिए हुए हैं, LED बेस्ड हैं। पीछे रियर वाइपर डिफॉगर ये वेरिएंट कवर करता है, शार्पिन एंटीना टॉप पे दे रखा है। कैमरा दोस्तों इसमें आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको पीछे के बम्पर्स में सेंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट एक्सटीरियर से हमने आपको दिखा दिया है, अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ, चेक करते हैं क्या कुछ इसमें मिलेगा। ये है दोस्तों इंटीरियर लुक आपके सामने। यहाँ पे अगर हम इंटीरियर थीम की बात करेंगे तो देखिए ब्लैक एंड ब्राउन प्रीमियम इंटीरियर मिलता है स्कॉर्पियो एन में। Z4 वेरिएंट मैं आपको चेक करा रहा हूँ, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आप इसमें चेक कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है, सेकंड की दिखेगी रिमोट लॉक की तरह लेकिन ये है नॉर्मल, और दोनों ही यहाँ पे फ्लिप की इसमें मिलेंगी। चलिए इसको लगा के इग्निशन वापस ऑन कर देते हैं, एक्सप्लोर करेंगे आगे के फीचर्स थोड़ी देर में। जरा आप इसका डोर पैनल देख लीजिए, चारों पावर विंडोज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। आउट साइड मिरर्स इस गाड़ी के मैनुअल ओपन क्लोज हैं। एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इसमें कर सकते हैं, बाकी स्पीकर्स इसके डोर्स पे लगे हुए हैं। बाकी अगर हम सीटें बात करते हैं तो दोस्तों ये देखिए फैब्रिक मटेरियल में सीटें दी हुई हैं, डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है, और यहाँ पे Z4 वेरिएंट जो है वो लंबर सपोर्ट को भी कवर करता है। इसको हम अगर इस तरीके से रोटेट करते हैं तो इसका जो ये पोर्शन है सेंटर वाला थोड़ा सा फूल जाता है और ज़्यादा कंफर्ट बढ़ा देता है। बाकी दोस्तों अभी केबिन के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, पहले ज़रा मैं आपको आ जाता हूँ पूरी पीछे की तरफ और बूट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है 7-सीटर, यहाँ पर देख लीजिए। अभी पहले आपको ज़रा बूट स्पेस नोटिस कर लीजिए, क्योंकि इस समय ये जो थर्ड रो सीटिंग है फोल्ड है, और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे
कितना स्पेस बूट में है चेक कर सकते हैं। इसको ज़रा मैं वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब इसकी थर्ड रो सेटिंग अपनी पोजीशन पे आ गई है, उस वक्त बूट स्पेस की बात करेंगे तो काफ़ी कम इसमें रह जाता है। सेटिंग समझा देता हूँ, तो सबसे आगे इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, सेकेंड रो पे तीन लोग बैठ सकते हैं एंड थर्ड रो पे दो लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। चलिए, यहाँ पे बूट समझ लिया है, अब चलते हैं इस गाड़ी के केबिन स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैठते हैं इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट पे। ये देखिए, सेकेंड रो सीट दोस्तों फिक्स है, इसको हम मूव नहीं करा सकते हैं। ड्राइविंग सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम को, ये देखिए इतना अच्छा इसमें लेग रूम मिलता है। और ये गाड़ी काफ़ी हाइटेड है, तो जब आप इसमें बैठेंगे एक ऊंची गाड़ी का फील आएगा। बाकी यहाँ पे देखिए, थर्ड रो के लिए जो है एसी वेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इसके ब्लोअर स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इधर एक डेडिकेटेड यूनिट यानी नॉब भी दे रखी है। साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इस तरफ मिल जाएगा। ऊपर साइड दिखा देता हूँ एक झलक, यहाँ पर देख लीजिए इस साइड पर एक रूम लैम्प दे रखा है और इधर भी एक रूम लाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वाइट कलर की LED लाइट इसमें दी हुई है। अब दोस्तों जरा हम निकलते हैं इस गाड़ी की सेकेंड रो सेटिंग से और आपको जरा इस साइड का पोर्शन भी दिखा दूं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सेंटर पोर्शन के लिए, यानी सेंटर पैसेंजर के लिए जो है वो देखिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दे रखा है और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। चलिए अब पीछे यानी थर्ड रो में जाने के लिए मैं आ जाता हूँ उस साइड पर। इस गाड़ी के जो सेकेंड रो सीट है वो 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे दी हुई है। 40% वाले तरफ मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए लीवर है, इसको जैसे हम ऐसे करेंगे तो ये टिप एंड टंबल हो जाएगी। जो 60% वाली सीट है वो सिर्फ इसका जो बैक रेस्ट है ये बेंड हो जाएगा, ये टंबल नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए पैसेज बन गया इस गाड़ी की थर्ड रो सेटिंग में जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे थर्ड रो सेटिंग पे जो इसके हेडरेस्ट दिए हुए हैं ये भी हाइट एडजस्टेबल देख सकते हैं। अब बैठते हैं जरा हम इस गाड़ी की थर्ड रो सेटिंग पे और आपको दिखाते हैं कितना स्पेस मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी ये सीट को हम आगे की तरफ मूव नहीं करा सकते हैं। हालांकि इसका जो बैक रेस्ट है वो डेफिनेटली हम थोड़ा बहुत सेट कर पाएंगे, लेकिन मैंने इसको ऐसी पोजीशन पे सेट किया हुआ है जिससे हम सेकेंड रो पे आराम से बैठे हैं और थर्ड रो पे यहाँ पे आप लेग रूम को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग रूम दोस्तों नहीं मिलता है। अगर किसी की हाइट मुझसे कम है तो डेफिनेटली हमसे अलग कंफर्टेबली बैठ पाएगा, और अगर हमसे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखिए मेरे पैर भी जो है वो बिल्कुल इसमें आगे की तरफ टच कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का थर्ड रो सेटिंग। एक झलक आप यहाँ से बैठ के इसके ग्लास को चेक कर लीजिए कितनी बाहर की विजिबिलिटी मिलती है, और आपको इधर ऊपर साइड दिखा देता हूँ। बाकी थर्ड रो सेटिंग पे एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं। चलिए निकलते हैं इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग से, अब चलेंगे आगे की तरफ। ड्राइविंग साइड पे दोस्तों बैठते हैं और आपको दिखाते हैं स्कॉर्पियो N Z4 वेरिएंट। ये देखिए यहाँ पे आप इस गाड़ी को एक बार इस साइड पे बैठ के अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे देखिए दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं, आगे की तरफ एक आर्मरेस्ट देख सकते हैं जो कि हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। ओपन करेंगे अंदर तरफ इसमें बॉक्स मिल जाएगा। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को और बात करते हैं सबसे पहले हम इस गाड़ी के स्टीयरिंग की। दोस्तों ये पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पे दिखा रहा हूँ। जब इसको आप पेट्रोल मैनुअल या फिर आप ऑटोमेटिक भी लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। डीजल में जब इसे आप ऑटोमेटिक या फिर फोर व्हील ड्राइव मैनुअल पे लेंगे तो स्टीयरिंग आपको पावर पे मिलेगा, लेकिन जब इसे आप टू व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन पे परचेस करेंगे तो स्टीयरिंग डीजल पे हाइड्रोलिक हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है इंजन वाइज को देखते हुए स्टीयरिंग पे। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आप चेक कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल के देखिए इस साइड पे बटन्स दिए हुए हैं। टिल्ट पोजीशन पे इसके स्टीयरिंग को हम सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करते हैं तो ये देखिए ये रहा इस गाड़ी का क्लस्टर, जिसमें इस साइड पे देखिए तो स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, सेंटर पे बड़े साइज़ का यहाँ पे आप MID डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं, इनसे हम स्विच करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ये शो करता है, ये देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आप इसके क्लस्टर पे चेक कर पाएंगे। सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो N पे देखिए पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे सेंटर कंसोल पे यूज़ किया गया है, खूबसूरत लगता है। म्यूजिक सिस्टम
टच स्क्रीन दोस्तों स्टैंडर्ड है, Z2 में भी आता है, Z4 पे भी दिया हुआ है, जिसमें अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, वायरलेस नहीं है, इसमें आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। नीचे की तरफ देखिए पेन ड्राइव लगाने का इस साइड पे पोर्ट दिया हुआ है, इधर एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और साथ में ऑक्सिलरी पोर्ट भी यहाँ पे सेंटर पे दे रखा है। इसके अलावा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसके म्यूजिक सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। एसी यूनिट इसमें मैनुअल मिलेगी। चलिए ऊपर साइड दिखा देता हूँ, तो इस साइड पे देखिए आप डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। आगे की तरफ सनग्लास होल्डर भी इसमें दिया हुआ है। सन वाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर नहीं है Z4 पे। और आपको इसका बॉक्स भी चेक करवा देता हूँ, तो ये देखिए इसमें आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे कूलिंग फैसिलिटी है, अगर आपने इसमें कुछ भी सामान पॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं तो वो ठंडी बनी रहेंगी अगर एसी ऑन है। एज अ सेफ्टी यहाँ पे डुअल एयरबैग सेटअप मिल जाता है, ABS है, EBD है। साथ में दोस्तों इसमें अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। ट्रांसमिशन आपको दिखा देता हूं, तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं। पेट्रोल पे है, डीजल पे लेंगे तो भी मैनुअल 6-speed पे ही आएगा। और इसको देखिए ऐसे लीवर को पुल अप करिए और लगाइए रिवर्स गियर। कैमरा टच स्क्रीन पे नहीं दिया हुआ है, कंपनी फिटेड लग के नहीं आता, सिर्फ इसमें दोस्तों सेंसर्स आते हैं जो कि इस समय बीप कर रहे हैं जब से हम रिवर्स गियर लगाएंगे। पीछे जब कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा तो बीप कंटिन्यूस बजने लगेगी। तो ये है दोस्तों स्कॉर्पियो N Z4 वेरिएंट। सारे अच्छे फीचर्स दोस्तों ये वेरिएंट कवर कर लेता है, जितनी भी एक बेसिक फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है। सारे फीचर्स मैंने अपने इस वीडियो में आपको कराए हैं चेक। कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, अभी तक आपने कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।